नमस्कार, समाचार टुडे में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी, आपको अपना खास कार्यक्रम सीधा सवाल लेकर। सीधा सवाल में आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक संगी सोम साहब। काफ़ी बड़ा नाम है, उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, काफ़ी मशहूर भी रहे हैं, दंगों को लेकर आरोप भी लगते रहे। आज इनसे बात करेंगे सीधा सवाल में। संगी जी, सबसे पहला सवाल, चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी आपकी? एकदम पूरी तैयारी है, आप देख भी रहे हैं क्षेत्र में पूरी तैयारी है, और चुनाव जीतने की और सरदना में नहीं, पूरी उत्तर प्रदेश में तैयारी है। अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों की अगर बात कर दो, 4 साल आप कहीं नहीं दिखाई दे, लेकिन अब आपके दौरे लगातार चल रहे हैं। ये आपका कहना है, पब्लिक से पूछिए। मैं 5 के 5 साल अकेला विधायक हूँ जो गाँव में सोया हूँ। मैं किसी ना किसी गाँव में सोता हूँ, मेरे बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, हम वहाँ गए, हमने वहाँ विधानसभा का आपका रिपोर्ट कार्ड भी बनाया। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं, आपका इंतजार ही कर रहे हैं, आज तक आप पहुँचे नहीं वहाँ। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें 150 बार नहीं गया हूं, और आपको पता है कि इसी क्षेत्र की जनता की वजह से जो सर्वे हुआ है, मुझे बेस्ट MLA का अवार्ड मिला है, आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। जनता तो कहती है, हम गए थे गांव में, महादेव गांव का अगर मैं जिक्र करूं तो वहां जनता काफ़ी परेशान थी। बिल्कुल, आप किसी गलत आदमी से मिले होंगे, मेरे विरोधी से किसी से मिले होंगे। अगर वहाँ की जनता से मिलेंगे तो महादेव गांव मेरा फेवरेट गांव है, और उसमें आप ध्यान रखना, जितनी वोट मुझे पहले मिली थी उससे 3 गुना मिलेंगी आपके। महादेव गांव के लोग ही बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि संगीत जी आते हैं दंगे और करा के चले जाते, इससे बेहतर हुआ ही ना। एक आदमी इस आरोप को लगा सकता, मुझे दिखा दीजिए कहीं अगर ऐसा लगाया तो। अब इलेक्शन का टाइम है, बीजेपी को ज़्यादातर जाना जाता है, विपक्षी दल आरोप भी लगा रहे हैं सांप्रदायिकता की, आप लोग राजनीति करते हैं, क्या कहीं दंगे वंगे कराने की प्लानिंग भी चल रही है? मुझे तो लग रहा है कि मीडिया इस काम पे लगी हुई है कि दंगे कराने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है इस तरीके की बात करके। आरोप कौन क्या लगाता है उसका मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी खून की नदियों में नाव नहीं चलाती, ये समाजवादी पार्टी और बसपा का काम है, कांग्रेस का काम है, ये इन पार्टियों का काम है, भारतीय जनता पार्टी। मैं सरदना का विधायक हूँ, आज तक पत्थर भी नहीं फिकाया, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। आरोप लगते रहे हैं कि सरधना इलाके में, अब हम कई गांव में गए, कई गांव के लोग बोलते हैं कि हाँ भाई आते हैं तो बस उल्टी सीधी बातें करते हैं, एक धर्म की बात करते हैं, ज़रूरत नहीं कि हम सारे धर्मों को मिलाकर चलें। नहीं, अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ उसकी बात करता हूँ तो ये क्या गलत बात है? अपने धर्म की सब बात करते हैं, मैं भी करता हूँ, उसमें बुराई क्या है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप लोगों को मिल रही हैं? 265+ सीटें मिल रही हैं, 300 का आंकड़ा पार करेंगे। समाजवादी कन्वे की अगर कुलह की बात करें, कलह जो लगातार चल रही है, माँ बाप और बेटा आपस में लड़ रहे हैं, चाचा एक तरफ है, साइकिल जब्त होने वाली है, क्या लगता है? आपने औरंगजेब को पढ़ा है कभी? जी पढ़ा है। मैंने भी पढ़ा है, देखा नहीं था कभी, पहली बार देख रहा हूँ। औरंगजेब ने भी अपने बाप से कुर्सी इसी तरीके से हत्या की थी जिस तरीके से अखिलेश जी हत्या रहे हैं। बीजेपी तो ये भी अंदर खाने खबर आ रही है कि बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को लॉलीपॉप दे दिया राष्ट्रपति बनने का, इसलिए मुलायम सिंह यादव अपने बेटे के खिलाफ खड़े हैं। तो ये हो सकता है आपकी जानकारी हो, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। और बीजेपी मुलायम सिंह को क्यों बनाएगी राष्ट्रपति? बीजेपी के पास अपने बहुत लोग हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा। पुराने संबंध रहे हैं बीजेपी और मुलायम सिंह यादव के? शायद संबंध सबके सबसे होते हैं, राजनीति एक अलग विषय है, और सबके संबंध होते हैं और वो होने चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, क्या इस बार के चुनाव में राम मंदिर मुद्दा रहने वाला है बीजेपी की तरफ से? राम मंदिर हमारा कभी मुद्दा नहीं था, वो एक सौ करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न है, उसे कभी आप उससे मत जोड़िए कि वो एक मुद्दा है। मंदिर बनना चाहिए, ये हमारी आस्था का प्रश्न है, हम आज भी कह रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं, कानूनी पेचीदगी है, जिस दिन दूर हो जाएगी मंदिर बनेगा। मोदी जी नोटबंदी का फैसला लिया, मोदी जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन फेल होती दिखाई दी नोटबंदी पूरे तरीके से? 100% सक्सेस है नोटबंदी, एकदम 100% सक्सेस है। और इतना बड़ा काम होता है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट केवल वो नहीं कर रहे जिनके पास काला धन है, जो काला धन भर के बैठे हुए थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बाकी सब ने एक्सेप्ट किया। काला धन तो सफ़ेद हो गया, बैंक कर्मियों ने क्या किया पीछे के रास्ते से, जिनका काला धन था उनको सफ़ेद करवा दिया गया, अब कैसे सफल हो गई नोटबंदी? जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आपकी जानकारी में होगा। कुछ बैंक के लोगों को अभी जेल भेजा गया है, बाकी जिन्होंने भी गड़बड़ की है सबको जेल भेजा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मोदी जी कह रहे थे कि नोटबंदी के बाद 30 तारीख के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, कुछ ऐसी भी खबरें थी कि कुछ कुछ खातों में लोगों के पैसे जाने वाले हैं, क्या है ऐसा कुछ? अब ये आपकी जानकारी में होगा, मेरी जानकारी में तो नहीं है। प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं और सरकार क्या कर रही है वो मेरी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी में होगा तो आप TV पर चलाइए। मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से कौन हो सकता है? कमल का फूल, और मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, इसमें कोई भी बन सकता है। हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है, और पार्टी जिसे बनाएगी वो बनेगा। समाजवादी कुनबे की कलह का फायदा मिलेगा बीजेपी को?
समाजवादी तो है ही नहीं कहीं। आप बेकार में समाजवादी पार्टी की चर्चा करते हो। एक्चुअली चैनलों पर जो हजारों करोड़ रुपए के उनके ऐड चल रहे हैं, ये केवल वो बोल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। विकास जमीन पर नहीं है, केवल अखबार में और टीवी पर बोल रहा है और कहीं भी नहीं है। दोनों लोग अलग अलग बटकर चुनाव लड़ने वाले हैं, मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, ऐसे में क्या क्या कुछ मिलने वाला है बीजेपी? ये दोनों अलग अलग लड़ लें, दोनों एक साथ लड़ लें, ये कुछ भी कर लें, ये अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे उत्तर प्रदेश में, चाहे जिस तरीके से कर लें। ये इनकी सब लिखी हुई स्क्रिप्ट थी जो फेल हुई है, इनकी पूरी स्क्रिप्ट थी लिखी हुई, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, वो एक अलग विषय है कि उल्टा पड़ गया इन्हीं के लिए। अब ये कुछ भी करे कुछ नहीं हो सकता। मायावती नुकसान दे रही है बीजेपी को? मायावती जी कभी क्यों नुकसान देंगे हमें? बीजेपी का अपना वोटर है, हम जाति की बात, जाति बिरादरी की बात नहीं करते हैं। हमारे साथ सभी जाति के लोग, सभी बिरादरी के लोग, सभी धर्म के लोग वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सबके बलबूते सरकार बनाएगी। अगर बहुमत नहीं मिला किसी भी पार्टी को, क्या बीजेपी किसी के साथ गठबंधन करेगी चुनाव के बाद? ये भी आप ही कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 265 में क्या गठबंधन करना पड़ेगा? 200 हर हालत में आएंगी, मतलब पूरा श्योर है, पूरा तरीके से 265 आने वाली हैं? 100% श्योर है कि 265 प्लस सीटें आएंगी। वैसे को भी उतारा है बीजेपी ने पीछे से वोट काटने के लिए अपने फायदे के लिए? ये भी आप ही को पता है, मुझे तो नहीं पता है। ओवैसी जैसे लोगों को तो मैं यूपी में घुसने भी देना नहीं चाहता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ थे संगीत सोम साहब, बेहद ही कद्दावर नेता है। आने वाले समय में इन्हें उम्मीद है 265 के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उम्मीद है संगीत सोम साहब का यह सपना पूरा होगा और समाजवादी कन्वे की कुलह का फायदा भी इन्हें मिल पाएगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, समाचार टुडे।